अरहं अरहोति नामेन अरहं पापनकारे अरहतं फलं पत्तो अरहं नाम ते नमो सम्मा संबुद्ध नामेन सम्मा संबुद्ध देशना सम्मा संबुद्ध लोकस्मिन् सम्मा संबुद्ध ते नमो विजाचरण संपन्नो तस्स विज्ञापकासिता अतितानागतूपन्नो विज्ञाचरण ते नमो सुगतो सुगतानं सुगतो सुंदरं पीच निब्बानं सुगतिं यन्ति सुगतो नामते तमो लोकविदुति नामेन अतितानागते विदु संखारा सत्ता मुकासे लोकविदु नाम ते नमो अनुत्तरो नानशीले नयो लोकसनुत्तरो अनुत्तरो पूजा लोकस्मिन् तं नमस्सामि अनुत्तरो सारथि सारथि देवा यो लोकससुसारथि सारथि पूजा लोकस्मिन् तं नमस्सामि सारथि देवयखं मनुस्सानं लोके अगं फलं ददं ददन्तं दमयन्तानं पुरीसा जन्नते नमो भगवा भगवायुतो भगकिलेशवाहतो भगसंसारमुत्तारो भगवानाम ते नमो अर्थात अरहत नाम से यह वास्तव में अरहत ही है जो किसी भी प्रकार का पाप कर्म नहीं करते भले ही वे अकेले निर्जन स्थान पर हो अतः ऐसा अरहत नाम को नमन वे सम्यक संबुद्ध नाम से जाने जाते हैं क्योंकि उनके उपदेश सम्यक सर्वथा उचित होते हैं वे लोग में अकेले ही सम्यक संबुद्ध है अतः उन सम्यक संबुद्ध को नमन वे सभी विद्याओं के जानकार है और उन विद्याओं को प्रकाशित करने वाले हैं उन्होंने अपनी प्रज्ञा को बड़े उत्साह से बताया है ऐसे विद्याधर को नमन वह सुगत है भले मार्ग पर चलने वाले है सुगत होने से भी वह सुंदर है सुगतिवान होने से ही उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया है इसलिए ऐसे सुगत नाम को नमन।
संसार को जानने वाले होने के कारण लोक विदु नाम है। वे सभी अतीत वर्तमान तथा भविष्य के कार्यकलापों का ज्ञान रखने वाले होने के कारण लोक विदु नाम वाले है, उनको नमन। इस लोक में ज्ञान शील का आचरण करने वाले अनुत्तर अनुपम लोग पूजित है, ऐसे अनुत्तर भगवान के अनुत्तर नाम को नमन। संसार में सर्वोत्तम सारथी जीवन चलाने वाले होने के कारण विश्व पूजित ऐसे सारथी को नमन। संसार में देवता यक्ष व मनुष्य को सर्वोत्तम फल देने वाले, सबको अपने सद्धम्म में लाने वाले, उनके पापों का दमन करने वाले महापुरुषों को नमन। वे भगवान ऐश्वर्ययुक्त है, सभी प्रकार के क्लेशों को भग्न नष्ट करने वाले है, जिन्होंने भवसागर को पार कर लिया है, ऐसे भगवान को नमन। साधु साधु साधु।